लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का, हमेशा लंबी बत्ती का। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। भाव से बैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुँच कर पाटे को बिछा कर चौक पूर कर जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया, रोली चावल हल्दी मोली मेहंदी सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में दो दीप लगेंगे रूप चौदस के दिन, दो दीप, एक दीप है घी का लंबी बत्ती का जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर है, दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें चार लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, चार बत्ती, ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाए। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली चावल मोली हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए, मीठे का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से पाँच कमलगट्टे, पाँच हल्दी की गठान, पांच अमर बेल के टुकड़े, अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल पेड़ों पर चलती है पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है, वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। पांच टुकड़े अमर बेल के, पांच हल्दी की गठान, पांच कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में, जो तेल का दिया है चार बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया चार बत्ती का रख देना चाहिए, कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ, ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। आज सुंदर रूप चतुर्दशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि, जिसके अंतर्गत अपन सब बाबा देव अधिदेव महादेव के पावन चरणों का रस स्वादन करते हुए सुंदर आनंद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझेंगे।